नमस्कार दोस्तों, आपने देखा होगा बड़े बड़े ऑफिसेस में, मीटिंग रूम में, कॉन्फ्रेंस रूम में ग्लास डोर और विंडोज के ऊपर अलग अलग टाइप के लेयर लगाए रहते हैं, जैसे कि प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए या फिर कुछ डिजाइन के लिए या फिर अल्ट्रा वायलेट रेज रिड्यूस करने के लिए ये सब लेयर्स लगाए रहते हैं। इसमें अलग अलग टाइप्स के हैं, जैसे मिरर है, टिंटेड है, फ्रॉस्टेड है। आज हम फ्रॉस्टेड मिरर के बारे में बात, क्रिस्टल लेयर के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले फ्रॉस्टेड फिल्म जो है उसका मेन पर्पस है टू मेंटेन प्राइवेसी, दूसरा है टू रिड्यूस अल्ट्रा वायलेट रेज, और तीसरा है डिजाइन ऑफ आर्ट पर्पस। तो ये कैसे लगाते हैं इसका हम आज एक वीडियो देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मॉलेज हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर। सबसे पहले विंडोज का मेजरमेंट लेते हैं, डोर या विंडो जो है उसका पूरा मेजरमेंट लेते हैं। उसके बाद में फ्रॉस्टेड फिल्म है उसका भी मेजरमेंट लेते हैं। यही मेजरमेंट लेके वो डोर विंडो की साइज के हिसाब से उसको बॉक्स कटर से फिल्म को कट करते हैं, और ये कट करने के बाद में एक बॉटल में, स्प्रे बॉटल में वाटर और सोप का सोल्यूशन तैयार करते हैं, और ये सोल्यूशन से ग्लास के ऊपर पूरा स्प्रे करते हैं, और ये स्प्रे करने के बाद में उसको क्लीन करते हैं, और क्लीन करने के बाद में ये फ्रॉस्टेड फिल्म ऊपर से नीचे तक लगाते हैं, और ये लगाने के बाद शार्प एज्ड स्टर्बी ऑब्जेक्ट जैसे कि क्रेडिट कार्ड जैसे उसको उसी से उसको स्क्वीज करते हैं ताकि पूरे एयर बबल्स वहाँ से निकल जाए और वो फिल्म अच्छी तरह से ग्लास को चिपके, और वो पूरा ग्लास के ऊपर वो फिल्म लगाने के बाद में जो भी एक्सेस फिल्म है विंडो के साइड में या बाहर में उसको कट कर देते हैं या फिर ट्रिम कर देते हैं। ये विंडोज के ऊपर फ्रॉस्टेड फिल्म लगाने का एक प्रैक्टिकल वीडियो है। इसमें पहले सबसे पहले विंडो का मेजरमेंट लेते हैं, उसके बाद में फ्रॉस्टेड फिल्म का मेजरमेंट लेते हैं, फिर एक स्प्रे बॉटल में वाटर और सोप सॉल्यूशन लेके उसके ऊपर पूरा स्प्रे करते हैं, और स्प्रे करने के बाद में उसको पूरा क्लीन करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ऊपर स्प्रे करके पूरा विंडो ग्लास को क्लीन कर रहे हैं। ये पूरा क्लीन करना जरूरी है क्योंकि इसके ऊपर दाग या फिर कुछ पॉइंट कुछ भी पार्टिकल नहीं रहना चाहिए। इसके बाद में ये फ्रॉस्टेड फिल्म हम ऊपर से नीचे तक लगाते हैं, जैसे ये हम देख रहे हैं वीडियो में पूरा विंडो के टॉप साइड में पहले सबसे पहले लगाते हैं, और बाद में उसको धीरे धीरे स्क्वीज करके नीचे तक खींचते हैं। और ये लगाते समय ये भी ध्यान में रखते हैं कि जो बीच में बबल वगैरह रहता है उसको स्टडी ऑब्जेक्ट शार्प ऑब्जेक्ट से उसको निकालते हैं। अगर आप देख रहे हैं तो पूरा फ्रॉस्टेड फिल्म ग्लास के ऊपर लगा हुआ है, और उसको धीरे धीरे उसको फिक्स कर रहे हैं, और उसको जो बबल्स है वो बबल्स कैसे निकाल रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं। ऊपर से नीचे धीरे धीरे वो फ्रॉस्टेड फिल्म नीचे लेते हैं, कुछ कुछ जगह में वो सेंटर में लगा करके हैं दोनों एज में भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ हम देख सकते हैं वो ऊपर से नीचे पूरा फिल्म ले रहे हैं, और वो फिक्स करने के बाद में पूरा बबल निकालने का काम कर रहे हैं। ये देखिए वो धीरे धीरे पूरा विंडो को कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये कुछ फोटोज है जो फ्रॉस्टेड फिल्म लगाने के बाद में फाइनल में कैसा उसका अपीयरेंस आता है, उसके लिए एक रेफरेंस के लिए आपको फोटो दिया हुआ है। ये फिल्म जो है वो बाद में ग्लास को बिना डैमेज किए भी हम रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने देखा कि फ्रॉस्टेड फिल्म ग्लास के ऊपर या विंडोर या विंडोज के ग्लास के ऊपर कैसे लगाते हैं, उसका पर्पस क्या है, यह वीडियो हमने एक प्रैक्टिकली वीडियो देखा। आपको ये आज का हमारा वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट कीजिए। अगर पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साइड का बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।
धन्यवाद।